स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास इलेवेंथ मैथ चैप्टर नाइन सिक्वेंसिज एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए द रेशियो ऑफ द अर्थमैटिक मीन एंड जोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज़ एम रेशियो एन शो दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम प्लस स्केयोर रूट एम स्क्यर माइनस एम स्क्र रेशियो एम माइनस रूट एम स्क्यर माइनस एम स्क्यर आपको क्वेश्चन में बोला गया है बेटा जो आर्थमेट्रिक मीन है और जोमेट्रिक मीन है इन दो पॉजिटिव नंबर का ए और बी का उसका जो रेशियो है वो इक्वल है एम रेशियो एन के ठीक है बेटा और आपको शो करना है जो दो नंबर हैं ए और बी उन दोनों का रेशियो है वो इस फॉर्म में आएगा ओके बेटा तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे हम ठीक है गिवन में हमें दिया है अर्थमैटिक मीन आपको भी पता है अर्थमैटिक मीन क्या होता है अर्थमैटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ठीक है टू पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी तो क्या होता है वो ए प्लस बी बाय टू ओके बेटा और जोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एंड बी वो क्या होता है बताइए स्केयर रूट ए बी ओके बेटा अब हमें जो बोला गया है हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है जो ए अर्थमेटिक मीन है उसका रेशियो और जोमेट्रिक uh, मीन का रेशियो वो एम रेशियो एन है ठीक है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी बाई टू अपॉन में आपके पास आएगा एस ये जोमेट्रिक मीन ठीक है तो ये आया आपके पास अपॉन में इसके जोमेट्रिक मीन ठीक है इज इक्वल टू एम रेशो एन ओके बेटा अब आप ये वाला ये देख रहे हैं ये ए प्लस बी बाई टू अपॉन में ये तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी टू स्केर रूट ए बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन क्लियर है बेटा क्या हुआ ये टर्म Uh, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम वन सपोज करेंगे ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाती है टर्म वन अपॉन स्केयर रूट ए बी आ जाता है ठीक है अब आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ठीक है तो अब आपने स्केयरिंग की ए प्लस बी का होल स्केयर अपॉन में बेटा टू स्केयर रूट ए बी का स्केयर और एम स्केयर एन स्केयर हो गया आपके पास ओके बेटा और यहाँ पे a प्लस बी का स्केयर आया आपके पास जब ये ये आपने स्केयर किया तो ये फोर हुआ और साथ में ए बी आ गया क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया ठीक है एम स्केयर और एन स्केयर ओके बेटा अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे a प्लस बी स्केयर आया और ये वाली वैल्यू हमने इधर शिफ्ट की क्लियर है बेटा ये यह यहाँ पे डिवाइड कर रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आएगी ए प्लस बी इज इक्ल टू फोर ए बी एम स्केयर एन तो ये हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड की तो ये स्केयर रूट आ गया आपका ठीक है ये वाला स्केयर का इधर स्केयर रूट आ गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से हमारे पास टू का टू बाहर आ गया और ये ए बी हो गया और एम अकेला आ गया एम और एन आ गया स्केयर रूट से स्केयर कट हो गया आपके ठीक है बेटा नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा हमने तो ए और बी की वैल्यू चाहिए हमारे पास ए की इक्वेशन तो आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू ये आ गया ठीक है बट बेटा हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए उसके लिए हमें ए बी Uh, की जो आइडेंटिटी है एक है ना ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी वो हम यूज करके uh, इस इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली ए माइनस बी का होल स्केयर तो वो क्या होता है बेटा ए स्क्यर प्लस बी स्क्र और माइनस टू ए बी ठीक है तो हम इसमें इसमें एडिंग करेंगे क्या एडिंग करेंगे इसमें इसमें हम प्लस फोर ए बी एड करेंगे और माइनस फोर ए बी करेंगे ठीक है अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर हुआ और टू में से हमने आ, फोर में से टू निकाला तो प्लस टू ए बी आ गया ठीक है और माइनस फोर ए बी ओके बेटा इसके बाद का स्टेप है बेटा ये वाली होल टर्म आपके पास बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है बेटा और यहाँ पे माइनस फोर ए बी साथ में आ गया ओके नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है यहाँ पे ए प्लस बी की हम वैल्यू डालेंगे ठीक है तो इसके लिए हम इक्वेशन ले, ले लेते हैं वन यहाँ पे ठीक है तो हमने क्या किया यूजिंग इक्वेशन वन ठीक है यूजिंग इक्वेशन वन से हमने ए प्लस बी की वैल्यू डाली ए फोर ए बी एम और एन ठीक है और माइनस फोर ए बी चल रहा साथ में ठीक है बेटा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे हम ठीक है फोर ए बी एम स्केयर और ये फोर ए बी एन स्केयर अपान में आ जाएगा एन स्केयर ठीक है बेटा यहाँ पे अगला स्टेप बेटा हमारे पास फोर ए बी फोर ए बी कॉमन है तो फोर ए बी आ जाएगा और अंदर आपके पास रहेगा एमस्केर एन स्क्यर और यहाँ पे एन स्क्यर है तो ये एन स्केयर आ गया ओके okay, बेटा ठीक है अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास ये चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्र है ना तो हमने क्या किया अब ये ए माइनस बी का जो स्केयर है यहाँ पे इस साइड ले आए वो स्केयर रूट बना लिया ठीक है फोर ए बी अपॉन में एन स्क्र और एम स्क्यर माइनस एन स्क्र ठीक है बेटा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे फोर ए बी है तो फोर से टू बाहर आ गया अब ए बी तो अकेला ही है तो इसलिए स्क्वायर रूट में रहा ठीक है एन स्क्वायर है तो इसलिए एन भी बाहर आ गया आपके पास ओके अब ये वाली पूरी टर्म है वो स्क्वायर रूट में रहेगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ओके बेटा तो ये आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू आ गई क्लियर है बेटा किसकी वैल्यू आई आपके पास ए माइनस बी की ओके अब यहाँ पे हमने जो इक्वेशन वन किसको लिया था ए प्लस बी को क्योंकि हमने यूज करना था इसको ले लेंगे हम इक्वेशन टू ठीक है और इसको ले लेंगे हम इक्वेशन थ्री क्लियर है बेटा अब हमने क्या करना है फ्रॉम एडिंग करेंगे क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन वन सॉरी वन टू टू एंड थ्री क्लियर है बेटा टू और थ्री को हमने एडिंग किया एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री तो हमारे पास टू जो इक्वेशन है वो क्या है ए प्लस बी वो क्या है वैल्यू आपके पास टू रूट ए बी एम अपॉन एन ओके बेटा और जो दूसरी वैल्यू है ए माइनस बी इज इक्वल टू टू रूट ए बी अपॉन में एन ठीक है और स्केयर रूट एम स्क्र और एन स्क्र ओके बेटा ठीक है अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने एडिंग की तो एडिंग में कोई साइन नहीं चेंज ये कट हो गया सीधा तो ये टू ए आ गया आपके पास और यहाँ से आप लिखेंगे टू स्केयर रूट ए बी अपॉन में एन और यहाँ पे एम बी है ठीक है बेटा और बच्चे यहाँ पे आपने प्लस किया और ये टू रूट ए बी अपॉन में एन और ये स्केयर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्यर ओके बेटा अब आप देख रहे हैं टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी टू आपने इधर से कॉमन लिया और ये इधर कैंसिल हो गया टू तो ए इज इक्वल टू ए बी अपान में एन और ये आपका एम भी चल रहा है साथ में प्लस और यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन में एन और ये स्क्वायर रूट में एम स्क्र माइनस एन स्क्र ओके बेटा अब आप क्या करेंगे आपके पास ए की वैल्यू आ गई ए की वैल्यू आप एक क्वेश्चन में डालेंगे या थ्री में डाल सकते हैं या टू में तो हम पुट कर रहे हैं इसको फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड इक्वेशन ठीक है बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास ए प्लस बी वाली ठीक है ये देख रहे हैं आप ए प्लस बी और आपके पास टू uh, ये रूट ए बी एम एन है ना तो इसमें आप किसकी वैल्यू डालेंगे ए की वैल्यू डालेंगे ओके okay, बेटा यहाँ पे इस साइड आप लिख रहे हैं ए बी एम अपॉन एन ठीक है प्लस स्क्र रूट ए बी एन और स्क्र रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र प्लस में बी आपके पास क्योंकि आपने ए की वैल्यू डाली है ना होल तो प्लस में बी चल रहा था ठीक है और इस साइड क्या था आपके पास इसमें चल रहा था टू स्केयर रूट ए बी एम एन ठीक है तो आप लिखेंगे टू स्केयर रूट ए बी एम एन एन ओके बेटा ये देखिए अब आपने बी इसी साइड रहने देना है तो ये वैल्यू सारी उधर शिफ्ट करनी है टू ए बी एम एन माइनस होगा तो माइनस आप इसके साथ लगा लो इसके साथ भी लगा लो तो माइनस रूट ए बी एम अपॉन में एन और माइनस रूट ए बी अपॉन में एन और ये चल रहा है आपके पास एम स्क्र माइनस एन स्क बेटा अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो देखिए आगे आगे का स्टेप है बेटा इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर बी की वैल्यू आ रही है बी इज इक्वल टू अब ये टू स्क्र रूट ए बी एम एन है और ये वन ठीक है स्केयर रूट ए बी एम एन है तो इसमें से हम एक निकालेंगे तो एक बच गया आपके पास ए बी एम अपॉन एन ठीक है टू में से रूट ये पूरा ये आपने वैल्यू निकाली तो एक बच गया आपके पास तो माइनस क्या है बेटा ए बी अपॉन एन और स्केयर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र ओके बेटा ये आपके पास किसकी वैल्यू है बी की तो अब आपके पास ए ए की भी वैल्यू आ गई बी की भी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या था ए रेशियो बी तो लिखेंगे ए रेशियो बी ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है आपके पास देखो आप लिखेंगे इसको ए की वैल्यू पहले ए की वैल्यू है रूट ए बी एम एन तो रूट ए बी एम अपॉन एन और प्लस में था रूट ए बी अपान में एन स्क्र रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र अपॉन में बेटा और B की वैल्यू क्या थी बच्चे B की वैल्यू ये आई आपके पास स्क्वायर रूट ए बी एम अपॉन एन और ये साथ में क्या है बेटा माइनस स्क्वायर रूट ए बी अपॉन एन और स्क्वायर रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र ओके बेटा यहाँ से आपने लास्ट में अब कॉमन निकालना है तो यहाँ से आपके पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है रूट ए बी तो रूट ए बी एम नहीं आएगा रूट ए बी और एन आएगा ठीक है अंदर आपके पास m प्लस स्क्र रूट एम स्क्यर माइनस एन स्क्र है बेटा अपॉन में आपके पास है रूट ए बी अपान एन तो m और साथ में क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे माइनस रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्र ठीक है बेटा अब आपके पास ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया कैसे क्योंकि ये भी रूट ए बी अपॉन में एन है और ये भी रूट ए बी अपॉन में एन है तो आपके पास ए रेशियो बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है एम प्लस स्क्र रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्यर में एम माइनस स्क्र रूट एम स्क्र माइनस एन स्क्यर आई थिंक आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था ये देखो यही था ना ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम प्लस स्क्यर रूट एम स्क्यर माइनस एन स्क्यर एम माइनस रूट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्र तो हमारी यही वैल्यू आई है अभी ठीक है तो ये हैंस प्रूफ ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बेटा आपको बोला गया है इफ ए बी सी आर इन ए पी ओके बेटा बी सी डी आर इन जी पी एंड वन बाय सी वन बाय डी एंड वन बाय ई आर इन ए पी प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी ठीक है बेटा आपको बोला गया है जो ए बी सी है वो ए पी की फॉर्म में है बी सी डी है वो जी पी की फॉर्म में है और वन बाई सी वन बाई डी वन बाई ई ए पी की फॉर्म में है और आपको प्रूव करना है ए सी ई आर इन जी पी ठीक है तो हम लिखेंगे बेटा टू आपको जो प्रूव करना है टू प्रूव आपको क्या करना है ए सी ई आर इन जीपी ठीक है जब हमें जीपी में प्रूव करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है कॉमन रेशियो सेम तो क्या आएगा सी अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन सी ठीक है A e C, तो ये सी स्केर इज इक्वल टू ए ठीक है बेटा तो इसका मतलब जो हमें जीपी में प्रूव करना है दैट मीन्स हमें इसका कॉमन रेशियो क्या करना है आर सॉरी क्या करना है आर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए ठीक है आर मतलब कॉमन रेशियो ठीक है बेटा तो ये आप देख रहे हैं अब हमें जो गिवन है वो लिखेंगे हमें गिवन है ए बी सी आर इन ए पी ठीक है अब बेटा ए पी में होता है तो क्या आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम तो वही हम लिखेंगे बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सेकेंड में से फर्स्ट निकाली थर्ड में से सेकेंड निकाली ठीक है बेटा अब यहाँ पे बी प्लस बी हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा तो ये बन गया आपके पास टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ओके बेटा अब हमें जो क्वेश्चन में आगे इसको प्रूव करने में जरूरत पड़नी है वो पड़नी है आपको बी की वैल्यू की ठीक है तो वो हम बी की वैल्यू निकालेंगे C प्लस ए बाई टू ठीक है इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या ले लेंगे इसको बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ओके बेटा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है बेटा ये तो हमने प्रूव कर सॉल्व uh, कर लिया अब ये बी सी डी ठीक है बी सी डी वो क्या है आर इन जी पी ठीक है अब जी पी में जो होता है उसका रेशियो सेम आता है ठीक है सी अपॉन क्या आएगा बी और इज इक्वल टू डी अपॉन सी ठीक है ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सेकेंड अपॉन फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन सेकेंड ठीक है तो ये हो जाएगा सी स्केयर इक्वल टू डी बी क्लियर है बेटा अब हमें जो इसको प्रूव करने के लिए इसमें से वैल्यू चाहिए वो चाहिए हमें सी स्केयर सी स्केयर अपॉन ये डी हाँ डी आ जाएगा सी स्केयर और बी सॉरी ठीक है और ये d ठीक है d की वैल्यू चाहिए हमें तो इसलिए हमने क्या किया सी स्केर अपन बी और ये d की वैल्यू निकाली सेकेंड ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये दिया है इक्वेशन वन बाय सी और वन बाय डी और वन बाई ई आर इन ए पी तो ए पी के लिए अगेन कॉमन डिफरेंस तो वन बाय डी माइनस वन बाय सी इजिकल टू वन बाई ई माइनस वन बाय डी क्लियर है बेटा और वन बाय डी ये प्लस हो जाएगा वन बाय डी इधर और वन बाय ई प्लस वन बाय सी और ये इसका हम एल्सियम सेम करेंगे डी डी है तो डी ही रहेगा ऊपर वाला प्लस ठीक है तो ये वन बाय ई प्लस वन बाय सी क्लियर है बेटा आप देख रहे हैं हमने क्या किया है इसमें ठीक है आपको क्लियर हो गया ये यस तो बच्चे हम इसको लेंगे इक्वेशन थ्री ठीक है बेटा अब हमारे पास ये वैल्यू बी की आ गई है और एक ये डी की आ गई है और ये हमने इसमें से भी अपनी वैल्यू निकाल ली है यह आपके पास इक्वेशन बन गया टू अपॉन डी इज इक्वल टू वन बाई ई प्लस वन बाय सी ठीक है बेटा ओके अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने डी की वैल्यू निकाल ली है ठीक है बच्चे और अब आप इसमें वैल्यू डालेंगे ओके चले अब हम क्या करेंगे फर, अब लिखेंगे यहाँ पे Uh, इसमें यूज कर रहे हैं हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ठीक है अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ओके बेटा तो आपने देखा टू अपॉन क्या था डी डी की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे सी स्क्र अपॉन बी तो यहाँ पे डी नीचे है इसलिए सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ऊपर बी ओके बेटा और यहाँ पे आप लिखेंगे वन बाई ई प्लस वन बाई सी अब यूजिंग इक्वेशन अभी पहली हुई है दूसरी अभी यहाँ हम बाद में लिखेंगे ठीक है यूजिंग इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन वन ठीक है ये काट कर ओके क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन तो आपने ये किया ओके बेटा अब लिखेंगे आप यूजिंग इक्वेशन सेकंड सेकेंड में आपके पास क्या था बी की वैल्यू तो बी की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे अब बी की वैल्यू है सी प्लस ए अपॉन में है टू ठीक है और ये सी स्क्वायर भी आपका क्या अपॉन में चल रहा है यस ठीक है तो वन बाय इसको भी आप एलसीएम ले लो यहाँ पे सी ई और सी इस साइड आ गया प्लस ई इस साइड आ गया ओके बेटा आगे क्वेश्चन जो है हम इस साइड सॉल्व करते हैं आगे ठीक है बेटा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टू और टू आपका कैंसिल हो गया क्लियर है सी प्लस ए अपान में है सी स्क्र इज इक्वल टू सी प्लस ई अपान में है सी ई e. अब यहाँ देख रहे हैं आप सी स्क्र है यहाँ पे सी ई e है तो एक सी आपका कैंसिल हो जाएगा एक बच जाएगा ठीक है और यहाँ पे सी प्लस ए अपान में सी e है इक्वल टू सी प्लस ई अपान में ई है ओके तो ये ई इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास प्लस ये सी इधर आ जाएगा सॉरी इक्वल टू है सी प्लस ईसी ठीक है अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ई सी है यहाँ पे भी ई सी है कैंसल हो गया और ये सी स्क्योर इस साइड ले आइए और ये ए आपके पास आंसर आ गया आपको यही सॉल्व करना था प्रूफ है ना टू प्रूफ में आपको ए सी ई आर इन जी पी तो हमने निकाला था दैट मीन्स सी स्क्योर इक्वल टू ए तो आपके पास ये आगे गई जी पी की फॉर्म ओके बेटा थैंक यू